स्टडी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जाम और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जाम। दोस्तों, यूपीपीसीएल जेई में जो धांधली हुई है, अब लगभग सभी छात्र इससे परिचित हो चुके होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, मीडिया के थ्रू हो या फिर अन्य किसी भी थ्रू हो। फ्रेंड्स, ये जेई की में हुई धांधली अब इतना ज़्यादा फैल चुका है कि पेपर इसका काफ़ी कंफर्म है कि कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इसमें एनडीटीवी पर भी अच्छे से चर्चा की है रवीश कुमार के द्वारा, और यूपीपीसीएल इसमें साफ साफ फंसते नज़र आ रहा है। क्योंकि लोग बता रहे हैं, छात्र बता रहे हैं कि जिस स्तर का पेपर हुआ था उस स्तर पे किसी का भी 190 लाना संभव नहीं है। 190 तो ऐसा भी नहीं आता है जनरली, और कुछ प्रश्न गलत थे, अधूरे थे, उनके भी आंसर उन बच्चों ने सही किए हैं, और सभी प्रूफ स्टूडेंट के पास भी हैं कि क्या क्या कैसे कैसे धांधली हुई है। एनडीटीवी पर परीक्षार्थी साफ साफ कह रहे हैं कि जिस पेपर में 150 अटेम्प्ट करना मुश्किल था, उस पेपर में 150, 190, 197 नंबर तक बच्चों ने प्राप्त किए हैं, जो संभव नहीं है। और उसी तरह उनके पास अब अगर यूपीपीसीएल कैंसिल नहीं करता इस भर्ती को तो वो केस करेंगे, और उनके पास प्रूफ भी है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ऑफिशियल साइट पे जो की आई है 20 फरवरी को, उन लड़कों के पास 18 फरवरी को ही आ गई थी उनके व्हाट्सएप पे। तो फ्रेंड्स, सभी प्रूफ उनके पास है, बच्चों के पास है, और यूपीपीसीएल साफ साफ घिर चुका है। अब नेतागण जो भी हैं, मंत्री वगैरह, सभी के बीच में ये खबर पहुंच चुकी है कि किस तरह से यूपीपीसीएल ने धांधली की है। तो फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों को साफ साफ है कि इसका साथ देना चाहिए। आज जेई की धांधली हुई है, हो सकता है कि ऑफिस असिस्टेंट में धांधली हो, स्टोनर में धांधली हो, अकाउंटेंट में धांधली हो, एआरओ में धांधली हो, तो सभी छात्र मिल जाएं और इस पेपर को रद्द कराएं जेई की। और कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तब तक थैंक यू।